ग्राउंड नंबर 3 पर जो मैच चला हुआ है पलवल और झज्जर के बीच में, कृपया करके उस मैच का स्कोर अपडेट करें। ग्राउंड नंबर 2 पर लड़कों के वर्ग में जो मैच चला हुआ है हिसार वर्सेज भिवानी, ये भी बहुत ही अच्छा मैच लगेगा। हिसार वर्सेज भिवानी बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें प्रदेश की अच्छी टीमें हैं और दोनों ही टीमों में जो खिलाड़ी हैं उनमें से 4-5 खिलाड़ी तो प्रो कबड्डी की लीग में भी आ चुके हैं। इतनी मजबूत टीमें हैं दोनों ही। इस मैच में बिल्कुल और ग्राउंड नंबर 2 पर भिवानी वर्सेज हिसार के बीच में जो मैच स्टार्ट हो चुका है, पहली रेड भिवानी की तरफ से मोहित गोयत, मोहित शुरुआती रेड और एक आसान पॉइंट भिवानी को मिला। और अब हिसार की तरफ से 4 नंबर जर्सी का खिलाड़ी रेड करता हुआ, एक मजबूत डिफेंस की टीम मानी जाती है भिवानी और एक दावेदार टीमों में से एक है इस सीनियर जूनियर स्टेट टीम। और अब भिवानी की तरफ से उमेश रेड पर 6 खिलाड़ियों का डिफेंस बोनस ऑन उमेश के लिए। उमेश भी प्रदेश के अच्छे रेडरों में से एक है। लड़कियों के मध्य जो मैच चला हुआ जींद वर्सेज कुरुक्षेत्र, उसका स्कोर 8-5 जींद के पक्ष में ये मैच चला हुआ। 8 अंक हैं जिला जींद के और 5 अंक हैं जिला कुरुक्षेत्र के। और अब भिवानी की तरफ से किस्मत नेहरा रेड पर, भिवानी के ही बैणी गांव का खिलाड़ी, और 2 पॉइंट किस्मत द्वारा। थर्ड रेड हिसार की तरफ से। बोनस टू हिसार
चार खिलाड़ियों के डिफेंस में मोहित गोयत रेड करता हुआ मोहित प्रो कबड्डी में भी इस बार आपको नजर आएगा। मोहित जूनियर का हरियाणा प्रदेश के बेहतरीन रेडरों में से एक है। पिछली बार भी हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था नेशनल में मोहित ने। ग्राउंड नंबर तीन पर मध्यांतर झज्जर और पलवल के बीच ये मैच चला हुआ है। कृपया करके इस मैच का स्कोर बताएं। और अब हिसार की तरफ से राहुल मलिक रेड पर, चार नंबर जर्सी का खिलाड़ी, जिला हिसार का खिलाड़ी। और भिवानी की तरफ से रेड पर उमेश, बारह नंबर जर्सी का खिलाड़ी उमेश। जो झज्जर और पलवल के बीच मैच चला हुआ है उसका स्कोर 15 जिला झज्जर के अंक और 19 जिला पलवल के अंक, चार अंकों की बढ़त के साथ जिला पलवल की टीम आगे। चार अंकों की लीड के साथ चलती हुई पलवल की टीम इस मुकाबले में आगे, लेकिन भिवानी और हिसार के बीच में मैच है। हमारे बीच सुरेंद्र सिंह कबड्डी कोच सोनीपत और हमारे बड़े भाई श्री राजवीर रापड़िया जी भी पहुंचे हैं। यहाँ को पहुंचने पर गांव कलिंगा की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भिवानी की टीम ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं मैच की शुरुआत में ही। अब अंतिम खिलाड़ी राहुल मलिक बचा है हिसार की तरफ से। सात खिलाड़ियों का डिफेंस, एक बोनस पहले ले चुका है राहुल मलिक। और बेहतरीन डिफेंस करती हुई भिवानी की टीम मोनू द्वारा शुरुआती कार्रवाई की गई थी, साथी खिलाड़ियों का साथ मिला। और राहुल एक और पॉइंट अर्जित किया भिवानी की टीम ने। अब मोहित को इस समय रेड पर, क्योंकि कबड्डी में टाइम के हिसाब से गेम चलता है। और दो पॉइंट और मिले भिवानी की टीम को। मोहित प्रदेश के अच्छे रेडरों में हैं और उनके कोच आदरणीय श्री जगवीर सिहाग जी गांव बैणी कुंगड़ से। और बिल्कुल रोमांचक मुकाबला चलता हुआ ग्राउंड नंबर तीन पर पलवल वर्सेज झज्जर के बीच में। और बिल्कुल कामयाब किस्मत दो पॉइंट लेने में, किस्मत की इस रेड ने फिर से हिसार को दूसरे ऑल आउट की तरफ धकेल दिया। गर्ल्स के मैच का हाफ टाइम, जींद 16 कुरुक्षेत्र 7, जींद 16 कुरुक्षेत्र 7। ग्राउंड नंबर एक पर गर्ल्स कैटेगरी के मैच का स्कोर। पलवल की टीम के खिलाड़ी कोच साहब, तीनों ऑफिसल मिलकर डिसीजन ले। ये क्या है, पलवल वाले खिलाड़ी और झज्जर,
भाई पीयूष कलंगा से एक बार स्टेज पर आ जाए पीयूष। ये कोच जिला झज्जर टीम के कोच हमारे पांच ऑफिशियल हैं। आप सभी कोच ऑफिशियल बात करें आपस में, जो डिसीजन आपका होगा वो फाइनल होगा। दीपक देशवाल ये भाई बाहर चले, आप पहलवान जी आप बाहर हो जाए। क्वालिफाई ऑफिशियल है हमारे सभी, अगर फिर भी कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको ठीक कर ले। भाई कोई भी कोच में बाहर से दर्शक आकर ऑफिशियलों पर दबाव न बनाए, बहुत ही क्वालिफाई ऑफिशियल हैं और वो अपने आप डिसीजन दे देंगे जो उन बनता है डिसीजन जायज। और ये री रेड है, शायद कोई त्रुटि थी ऑफिशियल की तरफ से, उसको स्वीकार कर लिया गया है। संजय कोच साहब आपके पास कार्ड हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। भिवानी और हिसार के इस मैच में भिवानी की टीम है बिल्कुल तालमेल से जबरदस्त खेल दिखाती हुई। लड़कियों के वर्ग में इस मैच के तुरंत बाद भिवानी वर्सेस सोनीपत। सोनीपत वर्सेस भिवानी, दोनों टीमों के लिए दूसरी पुकार। पलवल और झज्जर के मध्य अंतर जो मैच चला हुआ है उसका स्कोर 26 और 15 पलवल के पक्ष में। डिसाइड रेड हिसार की तरफ से राहुल पांच के डिफेंस में डिसाइड रेड करते हुए। रेड राउट पॉइंट टू भिवानी। लड़कों के वर्ग में जो अगला मैच होगा ग्राउंड नंबर दो पर
सोनीपत वर्सेस पानीपत, ये दोनों टीमें अपने आप को तैयार कर ले। सोनीपत वर्सेस पानीपत, सोनीपत वर्सेस पानीपत, बॉयज सेक्शन में सोनीपत वर्सेस पानीपत दोनों टीमें अपने आप को तैयार कर लें। हिसार वर्सेस भिवानी का यह मैच चलता हुआ ग्राउंड नंबर दो पर। ग्राउंड नंबर तीन पर झज्जर वर्सेस पलवल के बीच एक और बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, जिसमें पलवल की टीम आगे। ग्राउंड नंबर दो पर जो मैच चल रहा है उसमें भिवानी की टीम आगे। ग्राउंड नंबर एक पर जो मैच है उसमें जींद की टीम आगे चलती हुई। ग्राउंड नंबर एक पर लड़कियों के वर्ग में जो अगला मैच होगा वो सोनीपत वर्सेस भिवानी। ग्राउंड नंबर एक पर सोनीपत वर्सेस भिवानी। ग्राउंड नंबर एक पर जो लड़कियों का मैच चला हुआ है जींद वर्सेस कुरुक्षेत्रा, इसका स्कोर 25 और 13 है इन फेवर ऑफ जींद। 25 अंक हैं जिला जींद की टीम के, 13 अंक हैं जिला कुरुक्षेत्रा की टीम के। ग्राउंड नंबर दो पर जो मैच चला हुआ है भिवानी और हिसार के मध्य, कृपया इस मैच का स्कोर भी अपडेट करें। और हमारे सरपंच साहब और परम शक्ति श्री जीत भारती महाराज जी, सभी गणमान्य व्यक्ति इस राज्य स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप के दूसरे दिन स्टेज की तरफ बढ़ते हुए, उनका यह आज फिर एक बार स्वागत है। ग्राउंड नंबर दो पर जो मैच चला हुआ है प्लीज उसका स्कोर अपडेट कर दे। और हमारे बीच में